वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो देखो दोस्तों, काम चल रहा है, नए घर की तैयारी हो चुकी है, जो कि मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था अपना पुराना घर। अब यहाँ बन रहा है, फिलहाल हम अंदर से बाहर आ रहे हैं रहने के लिए। तो ये अभी थोड़ा नॉर्मल बना रहे हैं, बाद में जो बनाएंगे इस पूरे ग्राउंड में बनाएंगे। ये हाईवे पर हमारी ज़मीन है और फिलहाल में ये अभी हमने ली है नगद। तो चलिएगा ऐसे घर को बनाते हैं पूरा धीरे धीरे करके। अब तो मैं आगे दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे ये पूरा कंप्लीट होता है, बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। चोखा आ गया है और वो मेरा भाई हैगा, और इस जगह हमें कभी काम करना पड़ गया है फिलहाल में। और इधर को हमने चारा बो रखा है भैंस और गाय के लिए, जो कि है ये देखिएगा, यहाँ भी हमने बुनियादें भरी हैं। ये अब थोड़ा सा ये बन दीवार हो चुकी है, अब मिस्त्री आने वाला है, फिर काम चलेगा, फिर ये 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है और धीरे धीरे ये कंप्लीट हो रहा है, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इतना हो चुका है। इस टाइम मैं पहाड़ के ऊपर हूँ और वहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखिएगा कुछ कंप्लीट हो गया। और मिस्त्री साहब ऊपर चढ़े पड़े हैं, और नहीं भैया देखो टीन डब्बा रहे हैं, और हमारा सेल भाई हो रहे, देखो ये हमारे देखना आया स्वागत के लिए। तो नहीं भैया की हाल है, तो कैसा लग रहा है? अभी शुरुआत हो चुकी है और अभी इसमें थोड़ा धीरे धीरे करके हम सब कुछ बना डालेंगे। ये है अपना पुराना घर, और इसे हम छोड़ के शिफ्ट करेंगे दूसरे वाले घर में, वो जाएंगे। इसमें काफ़ी यादें हैं, मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो शूट की है, तो इसे छोड़ते हुए दुख तो हो रहा है, लेकिन हम न्यू घर जाने वाले हैं तो इसलिए खुशी भी हो रही है। इस घर को हम आज छोड़ने वाले हैं, इसे बाय बाय कहते हैं, अलविदा। अब न्यू घर में हमारा जो सामान है वो शिफ्ट कर रहे हैं, और वहाँ जाके सब कुछ तैयारी कंप्लीट कर देंगे, वहीं रहना रहना सब कुछ हो जाएगा, और फिलहाल ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। घर को छोड़ने में मतलब अफसोस तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ मेरा बचपन बीता है और मेरी भावुकता यानी मेरी जो भी यादें हैं सब काफ़ी जुड़ी हुई हैं इस घर से। इस घर में मैंने काफ़ी वीडियो शूट करी हैं, तो कोई नहीं कलक जो सच था वो बन गया फसाना, तिनका तिनका बिखरा लुटा वो आशियाना, पल में बन बदला भी जीवन है। तो अभी ने हम सारे गाय को और बकरी बच्चों को छोड़ कर आते हैं अड्डे पे, और जो है हमारा घर बन के तैयार हो चुका है, जैसे कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं। जैसे काफ़ी टाइम लग गया, पूरे जाड़े निकल गए, इसमें थोड़ा बहुत घर से शिफ्ट कराता था सामान लाने जाने में। और ये देखिएगा अब ये पूरा पड़ा है प्लॉट, इधर भी और इधर भी जो है अपनी पूरी ज़मीन पड़ी है इसमें। फिलहाल हम इस वाले में बनाएंगे कुछ टाइम बाद पूरा का पूरा तगड़ा करके बिल्डिंग, लेकिन इस जगह हमने खाली रहने के लिए बनाया है। इसमें मतलब थोड़ा बहुत आने जाने में दिक्कत हो रही थी ना, तो इस वजह से घर जो है हमने कुछ ही टाइम के लिए बनाया है। फिर इसे हम जो है इसमें ढोर बांधने स्टार्ट कर देंगे, अपना जो घर है न्यू वो इसमें बनेगा पूरे के पूरे फील्ड में। यहाँ तक ये ज़मीन है सब अपनी है, एक खोखे की है पूरी। तो देखाता हूँ चलो अंदर से थोड़ा बहुत, ये मेन गेट है और यहाँ से चलते हैं अभी अंदर फिलहाल, और दिखाते हैं हमको। देखो डोर जो है यहाँ शिफ्ट कर दिए, मैं सूर्य लाइट के पटले लगाए हैं, लाइट का यहाँ कोई साधन नहीं था, मतलब केबल जो है काफ़ी दूर से कनेक्शन हो रहा था तो बिजली आने में दिक्कत हो रही थी। हमारा रूम और इन्वेटर और दो बैटरों के साथ और सूर्य लाइट के साथ 1 लाख रुपये का खर्चा हो चुका है, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा घर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।